Hello everyone and a very warm welcome to Shiksha. Guys, from this particular lecture, हम agriculture के previous year questions जो वो देखेंगे, bar इसके ऊपर कोई भी नहीं है. Bar in the sense कि हमारा यहाँ पर agenda ये नहीं है कि हमें सिर्फ और सिर्फ IBPS के previous year questions देखने हैं, AFO के या NABARD grade A के देखने हैं, ठीक है, या जो स्टेट के डेवलपमेंट ऑफिसर्स, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के एग्ज़ाम्स होते हैं, ICAR वगैरह के एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है. तो जो भी सारे एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर एग्रीकल्चर के क्वेश्चन मोर और लेस सेम रहते हैं. तो जो भी, जैसे आप IBPS के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो, NABARD के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ADO के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या किसी और पर्टिकुलर बैंक के स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एग्रीकल्चर में, जैसे RRB के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल रहेंगे. हाल फिलहाल जो मैंने सबसे पहले पेपर उठाया है, दैट इज़ योर NABARD ग्रेड ए, ठीक है. जो सबसे पहले मैंने पेपर उठाया है वो है NABARD ग्रेड ए का, जो आपका 2022 के अंदर बेसिकली जो पेपर हुआ था. सॉरी, नॉट NABARD ग्रेड ए, सॉरी फॉर दैट, IBPS AFO, गाइस, IBPS AFO 2022 ये हमने पिकअप किया है स्टार्टिंग के अंदर. और 15-20 मिनट के ये वीडियोस रिकॉर्ड करके मैं डालूंगा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, एंड चार पांच क्वेश्चन हर के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे. तो 20 से 25 मिनट या आधा घंटा मैक्सिमम जो है वो आपका लेक्चर रहेगा. PDF आपको टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा. हाल फिलहाल के लिए PDF को फ्री रखा गया है, हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर इसको पेड भी कर दिया जाए, ठीक है. तो अभी के लिए तो फ्री है. लिंक जो है टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पर आपको PDF इसका मिल जाएगा, ठीक है. चलिए, सो लेट अस क्विकली स्टार्ट एंड सी द फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन है, वैरायटी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. वैरायटी के ऊपर अगर मैं बोलूं, कोई भी एग्ज़ाम ले लो एग्रीकल्चर का, NABARD ले लो, IBPS ले लो, डेवलपमेंट ऑफिसर ले लो, कोई भी ले लो, तो वैरायटी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. और ज़्यादातर उन वैरायटीज़ के ऊपर आते हैं जिनको या तो हाल फिलहाल में GI टैग मिला हो, या किसी तरह से कोई नई डेवलपमेंट की वजह से वो न्यूज़ में रहे हों, या फर्स्ट वैरायटी टाइप कुछ हो, कोई स्पेशल उनके अंदर फीचर हो, ओके. सो कुर्ग जो है आपकी कॉमर्शियल वेराइटी किस चीज़ की है? ऑप्शन ए कोकोआ, बी चेरी, सी टी, डी कॉफ़ी, ई रबर. और ये जो क्वेश्चन है ना, ये कम्प्लीटली फैक्चुअल क्वेश्चन है. इसके अंदर गेसवर्क के अंदर जितने चांसेस सही होने के हैं उससे ज़्यादा चांसेस गलत होने के हैं अगर आप तुक्के लगाते हो, गेस लगाते हो, ठीक है. तो आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा? सबसे पहले तो आंसर यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन डी. कुर्ग जो है किस चीज़ की कॉमर्शियल वेराइटी है? कॉफ़ी की कॉमर्शियल वेराइटी है, ठीक है. तो कॉफ़ी की वेराइटीज़ के अंदर ना काफ़ी सारे GI टैग्स हैं, और वहीं से ये बेसिकली क्वेश्चन निकल करके आता है, ठीक है. जैसे कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी फ्रॉम कर्नाटका, वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी फ्रॉम केरला, चिकमगलूर अरेबिका फ्रॉम कर्नाटका, अरक्कू वैली अरेबिका फ्रॉम आंध्र प्रदेश, एंड बाबा बुड्डन गिरीज अरेबिका कॉफ़ी फ्रॉम कर्नाटका. तो ये सारी की सारी कॉफ़ीज़ जो हैं इनको क्या मिला हुआ है? GI टैग मिला हुआ है. तो आपको ये भी याद रखना है, और कहाँ से बिलोंग करती है ये भी याद रखना है. वो पूछ सकता है कि ये जो कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी है वो कहाँ पे बिलोंग करती है, कौन सी स्टेट को बिलोंग करती है, या वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी या चिकमगलूर अरेबिका कॉफ़ी कौन सी स्टेट को बिलोंग करती है, अरक्कू वैली कौन सी स्टेट को बिलोंग करती है. अभी जो अरक्कू कॉफ़ी है ये ट्राइबल बेसिकली जो उस रीजन के अंदर, जो अरक्कू वैली वाला एरिया है जहाँ पर आंध्र प्रदेश के अंदर जो ट्राइबल्स रहते हैं वो इसको प्रोड्यूस करते हैं, और कम्प्लीटली ऑर्गेनिक अप्रोच के साथ ये प्रोडक्शन इस कॉफ़ी की जाती है. ऑर्गेनिक मेन्योर्स, ग्रीन मेन्योर्स, ऑर्गेनिक पेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को यूज़ करके, ठीक है. वैसे ही आपकी जो बाबा बुड्डन गिरीज अरेबिका कॉफ़ी है ये हैंडपिक्ड कॉफ़ी है, और नेचुरल फर्मेंटेशन के थ्रू इसकी प्रोसेसिंग की जाती है. तो इसी लिए ये जो GI टैग वाली जो कॉफ़ीज़ हैं इनमें से क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं, जैसे आपसे कुर्ग का पूछ लिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन देखो वैरायटी से रिलेटेड, IBPS AFO के एक पेपर के अंदर आपको देखोगे कि मल्टीपल 3-4 क्वेश्चन, कई बार तो 5-5, 6-6 क्वेश्चन सिर्फ वैरायटी में से पूछ लेता है वो. तो इजीली टॉपिक इंपॉर्टेंट है. पूसा नन्ना इज अ ड्वार्फ वैरायटी ऑफ पपाया, इज डेवलप्ड थ्रू, किस प्रोसेस के थ्रू उसको डेवलप किया गया है पूसा नन्हा. अब आपको यहाँ पर ये तो बता दिया कि ये किस चीज़ का वैरायटी है, ये पपाया का वैरायटी है, ये आपको बता दिया. वो क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछ सकता था, वो ये पूछ सकता था कि पूसा नन्ना जो है ये किस क्रॉप का वैरायटी है, ठीक है. इस तरीके से भी क्वेश्चन डेफिनेटली वो पूछ सकता था. तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओके, ऑप्शन ए. ऑलराइट, सो म्यूटेशन से बेसिकली आपकी जो पूसा नन्ना वैरायटी है इसको प्रोड्यूस किया गया है. ऑलराइट,
पूसा नन्ना के बारे में जानते हैं, एक्सट्रीमली डॉप वेराइटी है, किचन गार्डन्स के लिए सुटेबल है, पॉट और रूफटॉप कल्टीवेशन भी आप कर सकते हो, घरों के अंदर कल्टीवेशन कर सकते हो, हाई डेंसिटी कल्टीवेशन के लिए काफ़ी यूजफुल इसको कंसिडर किया जाता है, ठीक है। डायोशियस ड्वार्फ म्यूटेंट है, अराउंड 106 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है, बियरिंग फ्रूट एट 30 सेंटीमीटर हाइट, तो टोटल हाइट 106 सेंटीमीटर तक अटेन करता है, उसमें से 30 सेंटीमीटर तक की हाइट के ऊपर आपके जो फ्रूट हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, अराउंड 6400 प्लांट्स पर हेक्टेयर जो है वो आप यहाँ पर कल्टीवेट कर सकते हो, ठीक है। एंड पॉट कल्टीवेशन वाटर लॉगिंग को भी ये टॉलरेट कर लेता है। ओके, फ्रूट जो होता है पूसा नन्ना का वो मीडियम साइज होता है, राउंड या ओवेट शेप का होता है और येलो पल्प होता है, अराउंड 63 टन्स पर हेक्टेयर या 10.1 kg पर प्लांट जो है इसकी प्रोडक्शन रहती है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ था म्यूटेशन की, म्यूटेशन से इसको प्रोड्यूस किया जाता है, तो म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होता है, जिसको हम वेरिएशन ब्रीडिंग भी कहते हैं, म्यूटेशन ब्रीडिंग को वेरिएशन ब्रीडिंग भी कहते हैं, ये भी याद रखना है आपने। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, जो आपके सीड्स होते हैं ना उसको आप एक्सपोज कर देते हो, एक्सपोज किस चीज़ से कर देते हो, केमिकल्स हो गए, रेडिएशन हो गए, एंजाइम्स हो गए, तो अलग अलग केमिकल रेडिएशन और एंजाइम्स से आप अपने सीड को एक्सपोज कर दोगे, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा, म्यूटेंट्स जनरेट होंगे, और वो म्यूटेंट्स वो होंगे जो आप पर्टिकुलर डिजायरेबल ट्रेट्स चाहते हो ना कि आपकी वैरायटी के अंदर हो, वो डिजायरेबल ट्रेट्स उसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। नाउ प्लांट्स क्रिएटेड यूजिंग दिस म्यूटेजेनेसिस आर समटाइम्स कॉल्ड म्यूटेजेनिक प्लांट और म्यूटेजेनिक सीड्स, ओके। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रीड ऑफ गोट इज कॉल्ड मिल्क क्वीन ऑफ गोट इन वर्ल्ड, कौन सी ब्रीड गोट की इसको मिल्क क्वीन कहा जाता है, ठीक है। तो ब्रीड्स सारे एनिमल्स की, जितने भी आपके वेटरनरी साइंस के अंदर इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं, कैटल आ गया, बुफेलो आ गया, पिग आ गया, शीप आ गया, गोट आ गया, ठीक है, फिशेज आ गए, ठीक है, तो ये सब के सब क्या है, काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। सो विच ब्रीड ऑफ गोट इज कॉल्ड मिल्क क्वीन ऑफ गोट इन द वर्ल्ड, ऑप्शन ए टॉगनबर्ग, ऑप्शन बी एंग्लो न्यूबियन, ऑप्शन सी बारबरी, ऑप्शन डी सिरोही एंड ऑप्शन ई इज सानीन। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर गाइस, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ई सानीन, ओके। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ, अगर ये इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता कि जो सानीन ब्रीड है गोट का ये कहाँ को बिलोंग करता है, कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो जो ओरिजिन है, जो नेटिव प्लेस है, ठीक है, उसको भी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो वाला एरिया भी, ठीक है जी। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर ओवर हियर, सानेन, और सानेन ब्रीड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सो बेसिकली दिस इज़, ये जो नाम आया है ना, ये एक वैली का नाम है, सानेन वैली स्विट्जरलैंड के अंदर है, ठीक है, और अपनी हाई प्रोडक्शन और प्रोडक्शन के अंदर कंसिस्टेंसी के लिए जाना जाता है ये। एंड वाइट और लाइट क्रीम इसका कलर होता है, जैसे आपको यहाँ पर इमेज दिख रही है, फेस जो है स्लाइटली डिश्ड एंड द ईयर्स पॉइंट अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, देख रहे हो किस तरीके से इसकी कान है, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड आगे की तरफ, ओके। बोथ सेक्सेस आर नॉर्मली पोल्ड बट समटाइम हॉर्न्स डू अपियर, ठीक है, कुछ टाइम आपके हॉर्न्स इसके ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। डोज यानी कि फीमेल गोट का जो वेट होता है वो अराउंड 65 kg होता है, और बक्स यानी कि जो मेल गोट होता है, एडल्ट मेल गोट होता है, उसका वेट अराउंड 95 kg होता है। एवरेज मेल किल्ड जो है वो 2 से 5 किलो पर डे का रहता है, लैक्टेशन पीरियड 1 साल में 8 से 10 महीने का रहता है, और मिल्क के अंदर 3 से 5% का फैट रहता है, और इसी प्रोडक्शन की वजह से इसको क्या बोला जाता है, क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, मिल्क क्वीन, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलराइट, ये एक आपका लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, पर इसके अंदर हमको टाइम लगेगा क्योंकि मैं आपको एक पूरा टेबल इसके अंदर कराने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपसे मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस पूछा गया है जो रिक्वायर्ड होता है सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए ओकरा में, ओकरा यानी कि आपकी भिंडी, तो कितना इसके अंदर जो है आपका मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस होता है, पहले तो आप किसी भी बच्चे को अगर इसका आंसर करना है तो ज़रूरी ये हो जाएगा कि उसको ये मालूम हो कि ये मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होता है, तभी वो इसका अल्टीमेटली आंसर कर सकता है, अगर यही नहीं मालूम तो फिर समझ ही नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है जी। सो मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस आपसे यहाँ पर पूछा गया है ओकरा का, सो द राइट आंसर ओवर हेयर गाइज विल बी 200 मीटर्स, ठीक है, 200 मीटर। अब हम ना एक टेबल बनाते हैं, एक टेबल हम बनाएंगे और इसके अंदर हम कुछ क्रॉप्स का मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होता है,
सो आइसोलेशन डिस्टेंस इज द मिनिमम सेपरेशन रिक्वायर्ड बिटवीन टू और मोर वेराइटीज ऑफ द सेम स्पीशीज फॉर द पर्पज ऑफ कीपिंग सीड प्योर. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप दो रोज में भिंडी उगा रहे हो और दोनों रोज के अंदर अलग अलग वेराइटी है, ठीक है, आप चाहते हो कि ये दोनों जो वेराइटीज हैं या ये दोनों जो अलग अलग वेराइटीज हैं भिंडी की, ये एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस ना करें, ठीक है, सीड जो है वो प्योर रहे, ठीक है, ऐसा ना हो कि दोनों आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके जो सीड, जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सीड्स है वो कुछ अलग ही बन जाए, है ना. तो आप इसके अंदर कितना आपको मिनिमम डिस्टेंस रखना है ताकि ये प्योर जो है वो बना रहे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस, ठीक है. अब आइसोलेशन डिस्टेंस जो है वो फाउंडेशन सीड्स के लिए भी होता है और आपका सर्टिफाइड सीड्स के लिए भी होता है, ठीक है, फाउंडेशन सीड्स के लिए भी होता है और सर्टिफाइड सीड्स के लिए भी होता है, हम सबके लिए देखेंगे. ऑलराइट, लेट अस सी इट. आइसोलेशन डिस्टेंस देखते हैं. अगर आप ये खुद से नहीं लिखना चाहते तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ये मिल जाएगा, ये लिखा हुआ आप एज इट इज, जो मैं आपको पीडीएफ इसका दूंगा वो एज इट इज आपको लिखा हुआ दूंगा, ठीक है, तो आप उसको वहां से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात आपको आएगी नहीं. एक मिनट बेटा, बस देखो मेरा स्टाइल पहले भी यही था, ठीक है, आई डोंट बिलीव इन गिविंग एवरीथिंग इन द स्लाइड फॉर्म, ठीक है, उससे क्या होगा, आप लोगों के पास तो कुछ करने को बचेगा ही नहीं, ठीक है, टीचर लोग सब स्लाइड व्लाइड, वैसे तो देखो मैं पीडीएफ, मैं पहले भी बच्चों को बोलता आया हूँ, ठीक है, जहाँ पर भी मैंने पढ़ाया है, कि मैं पीडीएफ के फेवर में होता ही नहीं हूँ, ठीक है, स्पेशली ये जो फ्री पीडीएफ्स होती हैं, मैं कभी भी इसके फेवर में नहीं रहता, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो है बच्चों को बिल्कुल कामचोर बना देती है, ठीक है, क्योंकि बच्चा कहता है कि यार क्या ज़रूरत है, मिल तो रहा है ना, तो वो एक गलत चीज़ है, वो एक गलत सिस्टम है जो वैसे तो नहीं होना चाहिए, बट क्या करें, मजबूरी है ना, तो इसी वजह से इसको करना पड़ता है, लेकिन मैं फेवर में नहीं हूँ. चलो तो सब, और ये जो आइसोलेशन डिस्टेंस है बेटा, ये सारे का सारा क्या है, इन मीटर्स है, ठीक है, मीटर्स के अंदर ही हम टेबल बना रहे हैं. सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ राइस और वीट, राइस वीट, हाँ जी, तो इसका जो फाउंडेशन सीड के केस में मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस रहता है वो रहता है 3 मीटर, सर्टिफाइड सीड्स के केस में भी आप 3 मीटर तक जा सकते हैं, ठीक है. उसके बाद सोयाबीन, ग्राउंडनट, ओट, बार्ले की अगर मैं बात करूं, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ओट, बार्ले, ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं फिंगर माइलेट, इसको मैं FM लिख रहा हूं, या चलो पूरा ही लिख देता हूं, नहीं तो आपको पीडीएफ के टाइम पर प्रॉब्लम आएगा. फिंगर माइलेट हो गया या स्मॉल मिलेट हो गया, ठीक है, इन सब का भी क्या है, इन सब का भी आपका 3 3 मीटर्स ही आता है, चाहे वो फाउंडेशन सीड हो चाहे वो आपका सर्टिफाइड सीड हो, ठीक है, चाहे वो आपका फाउंडेशन सीड हो चाहे वो आपका सर्टिफाइड सीड हो, इसके केस में भी 3 3 मीटर ही रहेगा. उसके बाद अगर हम बात करें बार्ले वीट या पेडी हाइब्रिड की, बार्ले वीट और पेडी हाइब्रिड, बार्ले वीट या फिर हम बात करें पेडी हाइब्रिड की, तो इसके केस में जो डिस्टेंस रहता है फाउंडेशन सीड के केस में दोस्तों 200 मीटर का रहेगा और सर्टिफाइड सीड के केस में 100 मीटर्स का रहेगा, ठीक है, फाउंडेशन के केस में 200 मीटर्स एंड सर्टिफाइड के केस में 100 मीटर्स का इसका जो है आपका डिस्टेंस रहेगा, बार्ले वीट पेडी और हाइब्रिड के अंदर, बार्ले वीट और पेडी हाइब्रिड के अंदर, ठीक है. उसके बाद अगर हम बात करें ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, कुछ पल्सिस की अगर हम बेसिकली बात करें, पल्सिस की अगर हम बात करें, पल्सिस के अंदर आ गया आपका ब्लैक ग्राम, लाइट हो गया कलर थोड़ा, ब्लैक ग्राम,
ग्रीन ग्राम, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। ओके, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, चिकपी, ठीक है जी। उसके बाद इसके अंदर आ जाएगा आपका फील्ड पी, ठीक है, और राजमा, राजमा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका काउपी, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं लेथायरस और लेंटिल, लेथायरस, लेथायरस और लेंटिल मैं यहां पर लिख रहा हूं, लेथायरस और लेंटिल, ठीक है। तो इसके केस में जो डिस्टेंस आ जाता है बेटा वो आ जाएगा फाउंडेशन सीड के केस में 10 और सर्टिफाइड के केस में 5। ओके, फर्दर फर्दर चलें अगर हम, अगेन वही सेम क्रॉप, फाउंडेशन सीड एंड देन देर इज योर सर्टिफाइड सीड, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आपका अगर हम बात करें तारामीरा एंड सेजम, सेजम लिख लो बस, ठीक है, सेजम लिख लो। सेजम के केस में बेटा 100 और 50 रहता है, 100 फॉर फाउंडेशन सीड एंड 50 फॉर सर्टिफाइड सीड। लिनसीड की बात करें अगर हम, लिनसीड, लिनसीड के केस में इट विल बी 50 एंड 25, लिनसीड के केस में 50 एंड 25। फिर टोमेटो की अगर बात करें बेटा, टोमेटो, टोमेटो का भी सेम है, 50 एंड 25 ही रहेगा, ठीक है। ऑल राइट, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं आपके क्रॉप्स जो, जैसे कि सनफ्लावर और सैफ्लावर की अगर हम बात करें, सनफ्लावर एंड सैफ्लावर, तो इन दोनों के केस में जो रहेगा दैट विल बी 400 एंड 200, 400 एंड 200। सनफ्लावर एंड सैफ्लावर के अलावा और भी अगर मैं बात करूं, जैसे आपका नाइजर आ गया, ठीक है, या आपका मेज आ गया, या आपका मस्टर्ड आ गया, ठीक है, या फिर आपका पर्ल माइलेट आ गया, पर्ल माइलेट आ गया, ठीक है। तो इन सबके केस में भी बेटा जो डिस्टेंस रहता है दैट इज 400 फॉर फाउंडेशन सीड एंड 200 फॉर सर्टिफाइड सीड, 400 मीटर्स फॉर फाउंडेशन एंड 200 मीटर्स फॉर सर्टिफाइड, ठीक है। इसके अंदर आपका ओकरा और चिली भी आ जाएगा, ओकरा भी आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने क्वेश्चन के अंदर देखा ना ओकरा, तो ओकरा और चिली के केस में भी जो है वो 400 और 200 मीटर्स ही रहेगा, ठीक है जी। तो ये एक तो ध्यान में रखना है आपको। ऑल राइट, सनफ्लावर, सैफ्लावर, नाइजर, मेज, मस्टर्ड, पर्ल माइलेट, ओकरा, चिली, इनके केस में फाउंडेशन सीड में 400 और सर्टिफाइड सीड के अंदर कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अगेन क्रॉप एंड देन वी हैव फाउंडेशन सीड एंड सर्टिफाइड सीड मीटर के अंदर। ओके, ऑल राइट, नेक्स्ट आपका जो सनफ्लावर का हाइब्रिड अगर आप यूज कर रहे हो, अगर आप सनफ्लावर का हाइब्रिड यूज कर रहे हो तो उसके केस में जो डिस्टेंस है दैट विल बी डिफरेंट, तो उसके केस में 600 एंड 400 हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल सनफ्लावर के लिए हमने देखा था 400 200, फाउंडेशन सीड का 400 मीटर और सर्टिफाइड सीड का 200 मीटर, बट सनफ्लावर हाइब्रिड के केस में क्या होगा, फाउंडेशन सीड का 600 मीटर और सर्टिफाइड सीड का कितना हो जाएगा, 400 मीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी आपका, जैसे पर्ल माइलेट हाइब्रिड आ गया, नेक्स्ट आ गया आपका पर्ल माइलेट हाइब्रिड, ठीक है। तो पर्ल माइलेट का भी हमने देखा 400 200 था, लेकिन पर्ल माइलेट हाइब्रिड का कितना हो जाएगा, 1000 मीटर फाउंडेशन सीड के केस में
और 200 मीटर्स सर्टिफाइड सीड के केस में, ठीक है, पर्ल माइलेट के केस में। ऑल राइट, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कैबेज कॉलीफ्लावर जैसे क्रॉप्स की, कैबेज और कॉलीफ्लावर, तो कैबेज और कॉलीफ्लावर के केस में बेटा, कैबेज और कॉलीफ्लावर के केस में जो आपका डिस्टेंस हो जाएगा दैट विल बी 1600 मीटर्स इन फाउंडेशन सीड एंड 1000 मीटर्स इन सर्टिफाइड सीड्स, ओके, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर के केस में। उसके बाद क्यूकरबिट्स जो आपके जिसके अंदर आपके क्यूकम्बर वगैरह आ जाते हैं, क्यूकरबिट क्रॉप्स जो होते हैं आपके, ठीक है, तो क्यूकरबिट्स के अंदर 1000 फाउंडेशन सीड में और 500 मीटर सर्टिफाइड सीड्स में। सिमिलरली अगर क्यूकरबिट का हाइब्रिड होगा, हाइब्रिड होगा तो ये क्या होगा, ये 1500 मीटर हो जाएगा फाउंडेशन सीड और 1000 मीटर हो जाएगा आपका सर्टिफाइड सीड, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अनियन की, अनियन तो अनियन के केस में 1000 मीटर एंड 400 मीटर रहता है। अनियन के केस में कितना रहता है बेटा, 1000 एंड 400, 1000 एंड 400 मीटर रहेगा अनियन के केस में। अनियन के बाद अगर मैं बात करूं कैस्टर की, कैस्टर कैस्टर तो कैस्टर के केस में कितना होता है, ऑल राइट, सो कैस्टर के केस में कितना हो जाएगा बेटा जी, कैस्टर के केस में हो जाएगा आपका 600 एंड 300, 600 एंड 300। और सिमिलरली आपका कैस्टर का हाइब्रिड, अगर आप कैस्टर हाइब्रिड यूज कर रहे हो तो कैस्टर हाइब्रिड के केस में कितना हो जाएगा, 1000 एंड 300। तो सर्टिफाइड का तो सेम रहेगा लेकिन फाउंडेशन का चेंज हो जाएगा कैस्टर हाइब्रिड के केस में, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आज नेक्स्ट जो आपका क्रॉप आ जाता है दैट इज योर टोबैको, टोबैको, ओके जी, टोबैको। तो टोबैको के केस में कितना है, 3-3, फाउंडेशन का भी और सर्टिफाइड का भी, ठीक है। और हाइब्रिड अगर आप टोबैको का हाइब्रिड यूज कर रहे हो, टोबैको का हाइब्रिड यूज कर रहे हो तो उसके केस में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, 50 और 30 हो जाएगा, 50 मीटर और 30 मीटर्स हो जाएगा। ऑल राइट, उसके बाद अगर मैं बात करूं कॉटन या जूट की, कॉटन एंड जूट, तो कॉटन एंड जूट के केस में बेटा जो डिस्टेंस रिक्वायर्ड होता है वो अगेन 50 एंड 30 का रहता है, 50 एंड 30 मीटर्स। उसके बाद अगर हम बात करें रेड ग्राम की, रेड ग्राम तो रेड ग्राम के केस में ये डिस्टेंस रहेगा 250 मीटर्स एंड 100 मीटर्स। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स करा रहा हूँ। ब्रिंजल के केस में 200 एंड 100, फाउंडेशन सीड का 200 एंड सर्टिफाइड सीड का 100। कैप्सिकम के केस में 500 एंड 250, कैप्सिकम के केस में 500 फॉर फाउंडेशन सीड एंड 250 फॉर सर्टिफाइड सीड, ओके। उसके बाद सोर्गम, सोर्गम सोर्गम के केस में 200 एंड 100 रहेगा, 200 एंड 100 रहेगा, ठीक है। अगर सोर्गम का हाइब्रिड यूज कर रहे हो, सोर्गम का हाइब्रिड यूज कर रहे हो, ठीक है, तो सोर्गम के हाइब्रिड के केस में 300 एंड 200 रहेगा, ठीक है जी, 300 एंड 200 रहेगा। ऑल राइट, उसके बाद अगर आप ल्यूसेन, ल्यूसेन ल्यूसेन जो आपका क्रॉप होता है, ठीक है, उसको ले रहे हो तो 400 एंड 100 जो है वो आपका आइसोलेशन डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, अगेन वही प्रोसेस, फाउंडेशन सीड एंड आपका जो सर्टिफाइड सीड है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सन हेम्प की। सन हेम्प क्रॉप्स बहुत सारी हैं बट मैं आपको इम्पॉर्टेंट ही बता रहा हूँ, सिर्फ 250 एंड 100 सन हेम्प के केस में। ऑल राइट, उसके बाद अगर हम बात करें मेज की, मेज तो मेज के लिए ना अलग अलग क्राइटेरियाज आ जाते हैं, मेज के लिए अलग अलग क्राइटेरिया आ जाते हैं, ठीक है। जैसे अब अगर जो सेम है कलर, अगर दो डिफरेंट स्पीशीज का कलर सेम है, ठीक है, सेम कलर है, जो कर्नल होता है जो ऊपर का कवरिंग होता है उसका कलर अगर सेम है तो उसके केस में तो 400 मीटर रहेगा, ठीक है, आइसोलेशन डिस्टेंस। ऑल राइट, ये दोनों के लिए सेम होता है। ऑल राइट, उसके बाद अगर डिफरेंट है कलर, डिफरेंट है कलर, ओके, तो उस केस में 600 मीटर रखना पड़ेगा डिस्टेंस। ऑल राइट, अगर मेज का हाइब्रिड आप यूज कर रहे हो, ठीक है, हाइब्रिड आप यूज कर रहे हो तो उसके केस में 200 मीटर रहेगा। ऑल राइट,
तो ये आपका मेज का जो है आइसोलेशन डिस्टेंस रहता है। ये डिफरेंट क्रॉप्स के आपके आइसोलेशन डिस्टेंस हैं, एक बार फिर से इनको देख लेते हैं फटाफट से, जितने भी हमने आइसोलेशन डिस्टेंसेस देखे हैं। राइस और वीट के केस में फाउंडेशन सीड में 3, सर्टिफाइड सीड में 3, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ओट, बार्ले, फिंगर मिलेट, स्मॉल मिलेट 3 3, बार्ले वीट और पेडी हाइब्रिड में 200 मीटर फाउंडेशन में और 100 मीटर सर्टिफाइड में, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, चिकपी, फील्ड पी, राजमा, काउपी, इसमें फाउंडेशन सीड में 10 मीटर, सर्टिफाइड में 5 मीटर, सेजम में 100 मीटर फाउंडेशन में और सर्टिफाइड में 50, लिनसीड में 50 और 25, टोमेटो में 50 और 25, सनफ्लावर, सैफ्लावर, नाइजर, मेज, मस्टर्ड, पर्ल माइलेट, ओकरा, चिली 400 और 200। मेज में जनरली 400 रहेगा फाउंडेशन में और सर्टिफाइड में 200, बाकी मेज में वो जो मैंने आपको अभी वैरायटी वाला बताया वो हो सकता है। सनफ्लावर हाइब्रिड फाउंडेशन में 600 और आपका सर्टिफाइड में 400, पर्ल माइलेट हाइब्रिड 1200, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर 1600 एंड 1000, क्यूकर बिट 1500, क्यूकर बिट का हाइब्रिड 1500 और 1000, अनियन का 1000 और 400, कैस्टर का 600 और 300, कैस्टर हाइब्रिड का 1000 और 300, टोबैको का 3 3, टोबैको हाइब्रिड का 50 और 30 मीटर, कॉटन एंड जूट का 50 और 30, रेड ग्राम का 250 और 100, ब्रिंजल का 200 एंड 100, कैप्सिकम का 500 एंड 250, सॉर्गम का 200 एंड 100, सॉर्गम हाइब्रिड का 300 एंड 200, ल्यूसेंट का 400 एंड 100, सन हेम्प का 250 एंड 100, मेज का आपको जो कर्नल कलर्स अगर वगैरह डिफरेंट होते हैं तो उस केस में जो आपको डिस्टेंस यूज करना है। ठीक है बेटा, सो ये आपके आइसोलेशन डिस्टेंसेज हैं, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के ही हैं। जैसे उसने ओकरा का पूछा होता वो किसी और क्रॉप का पेपर के अंदर पूछ सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर किसी ने कर लिया ना आईबीपीएस एएफ हो गया ना बाढ़ के, तो आधी एग्रीकल्चर की तैयारी तो वैसे हो जाती है, क्योंकि पता चल जाता है कि हर साल पेपर के अंदर आना क्या है, तो वो चीज़ें आप याद करके इजीली अपने काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो रिजॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज इट गाइस फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। फिर भी कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो 9041244689 पर, मेल कर सकते हो sikshit@gmail.com पर, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है जिसकी इस लेक्चर की पीडीएफ जो है मैं वहीं पर आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके, एंड कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हैं। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, मोटिवेशन के काम आता है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।